हेलो गाइस, वेलकम टू केस टेक। एंड जैसे कि मेरी पहली वीडियो में काफ़ी कमेंट्स आए थे कि हम प्रिंटेड विनाइल को कैसे कट कर सकते हैं, तो आज ये एपिसोड इसी के बारे में है, स्काईकट प्लॉटर के बारे में कि हम इसमें प्रिंटेड विनाइल कैसे कट कर सकते हैं। जैसे कि आप ये स्टिकर देख सकते हैं कि एक शेप बने, एक ये स्टिकर स्क्वायर नहीं कट सकते तो इनकी एक शेप कटेगी। तो शेप को हम काटने के लिए क्या करते हैं, हम इसके सॉफ्टवेयर पे जो कि कोरल ड्रॉ है इस समय जो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इसमें दो पेज में फाइल को बनाते हैं, इसमें से कि पेज वन पे हमारा सारा होता है प्रिंटिंग जो कि हम प्रिंट करने वाले हैं, और सेकंड पेज पे हम रहता है कि हम कटिंग कैसे करेंगे, जो कि है ये मैं आपको दिखा दूँ, जो कि हमारी ये रही कटिंग की फाइल। तो एग्जैक्टली सेम होता है पेज वन पे और पेज टू पे कि हमारी जो कटिंग रहेगी वो कैसे रहेगी, ये हमारी प्रिंटिंग होती है। अब हम प्लॉटर को कैसे बताएंगे कि कटिंग कहाँ करनी है और कहाँ नहीं करनी है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं ये मार्क्स, जैसे कि इसमें दिख पा रहे होंगे आपको कि रजिस्ट्री मार्क्स लगे हुए हैं इस पे, और यही रजिस्ट्री मार्क्स हमारे फाइल में भी हैं, हम यही इन्हें प्रिंट कर देते हैं और हम ये फाइल प्लॉटर को फीड करेंगे ये वाली। तो कुछ व्यूअर्स ने कमेंट करा था कि ये कैसे करते हैं, तो इसका दो ऑप्शन है करने के, एक तो कि आपके पास एक तो इसका टूल होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ टूल जो कि है यहाँ पर, ये टूल है जो कि जब मैंने प्लॉटर ख़रीदा था तो ये उन्होंने मेरे को टूल प्रोवाइड करा था, क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर नहीं ख़रीदा था इसके साथ का, जिससे कि मुझे डिस्काउंट भी मिला था, प्लस हम कोरल ड्रॉ पे ही काम करते हैं तो ये टूल हमारे लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था, प्लस इस टूल के कोई चार्जेस भी नहीं थे जो हमें पे करने थे, ये एब्सोल्युटली फ्री था प्लॉटर के साथ, तो इसकी मदद से हम जो मर्ज़ी कट करना चाहे कट कर सकते हैं। और इससे पहली वाली वीडियो मैंने आपको दिखाई दिया था कि हम डायरेक्ट EPS मटेरियल फीड करके कैसे कटिंग कर सकते हैं इस प्लॉटर पर, तो आज मैं दिखाने वाला हूं कि हम इस शेप को कैसे कटिंग करेंगे, जो ये शेप्स हैं पूरी, तो ये तीन अलग अलग तरह के हैं और एक मैंने पहले से ही लगा दिया है। तो इसको कटिंग करने से पहले हम क्या करते हैं कि जब भी स्टिकर होता है, ये अलग अलग मटेरियल होते हैं, तो हम उस हिसाब से फोर्स सेट कर लेते हैं, जो इसमें फोर्स होती है हम ये जो स्पीड फोर्स का सिस्टम होता है ये हम सेट कर लेते हैं, ये 600 mm से कम करते हैं, 500 चलाएंगे मशीन को। ये 30 इसलिए सेट है क्योंकि हमने ब्लेड को काफ़ी डीप नहीं सेट कर रखा, हमने बहुत लाइट सेट कर रखा है, इससे हमारे को थोड़ा कंट्रोल ज़्यादा मिल जाता है ब्लेड पर, क्योंकि कुछ जगह हमें कट नहीं चाहिए होता है, सिर्फ एक एचिंग चाहिए होती है, तो हम वो इसी ब्लेड से कर लेते हैं, उसके लिए हम ब्लेड बार बार चेंज नहीं करते, वैसे उसके लिए अलग ब्लेड आता है, बट हम इससे ही काम चला लेते हैं। तो अब मैं फंक्शन ऑन करने वाला हूँ, मैं इस फाइल को सिलेक्ट करूँगा और कट टू आउटलाइन। जब भी हम कोई फिगर कट करने वाले होते हैं तो हम ये वाला चेकबॉक्स टिक कर देते हैं, कट आउटलाइन, हमने कट आउटलाइन का बॉक्स चेक कर लिया है, फाइल हमारी सिलेक्टेड है, अब हम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को कटिंग पे सेट कर देंगे, नए कभी डायलॉग बॉक्स पे है सेंड टू कट, इसने USB को रिकॉग्नाइज कर लिया है स्काई कट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, उससे पहले हम इस प्लॉटर के हेड को कोशिश करेंगे हम इस पॉइंट पे सेट कर पाएँ, आप जब भी रजिस्ट्री मार्क्स को करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि ये उसके नीचे आए बिल्कुल, तो
तो हमने सेट कर लिया है जितना हम सेट कर सकते थे इसको, और हम प्लॉटर पे कमांड देने वाले हैं। ये इसके नीचे जो स्काई कट का फंक्शन है, स्पेशली स्काई कट का, इसके नीचे एक कैमरा होता है जो कि डिटेक्ट करेगा रजिस्ट्री मार्क्स को और हेल्प करेगा हमें कट करने में फाइल को। जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे, ये रजिस्ट्री ली है इसने, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये रजिस्ट्री ले रहा है। और ये मशीन थोड़ा सा शोर मचा रही है बिकॉज मैं फिर लास्ट 3 सेकंड में क्लियर नहीं कर रहा हूँ। टी शर्ट्स वगैरह में भी ऐसे ही करने वाले हैं क्योंकि टी शर्ट्स में भी कस्टम प्रिंट होते हैं, तो वो शेप्स में कटा हुआ होता है, उसमें हम स्क्वायर नहीं यूज़ करते, कुछ डिज़ाइन स्क्वायर होते हैं बट काफ़ी डिज़ाइन कस्टम कट होते हैं। तो मैं आपको एक पील करके भी दिखाऊंगा इसमें। ये शीट हमने थर्मल कर रखा है तो इसमें कटिंग फोर्स हम एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे, तो भी इसके लैमिनेशन की लेयर लगी हुई है। तो जैसे कि दे सकते हैं 100% सेंड हो चुका है, और यहाँ पर ये है 68% कंप्लीट हो चुकी है, और ये अबाउट टू कट है। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि शीट डालते भी कैसे हैं, इसके बाद मैं एक और शीट चेंज करके दिखाऊंगा कि इसमें शीट फीड कैसे करते हैं। तो हमने फाइल हटाई, जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा स्टिकर बन गया। तो काफ़ी कंप्लेंट्स आती हैं हम पे, मतलब कंप्लेंट्स हैं क्वेरीज कि हमारी शीट वाइल जब ये मशीन कटिंग कर रही होती है तो खिसक जाती है। तो उसके लिए क्या होता है कि ये 3 रोलर अगर अपनी जगह नहीं है या साफ़ नहीं है रबर रोलर, तो ये शीट इधर उधर हो जाती हैं। बट अब मैं दिखाऊंगा कि हम शीट दोबारा कैसे फीड करें। तो ये कट हो चुकी है, हम सेम डिज़ाइन की लेंगे और रीकट देंगे। हमेशा इतनी जगह छोड़ें क्योंकि पीछे इसको 1 इंच चाहिए होता है रोलरों पे वर्क करने के लिए। ये लाइन होती है हमारी, ये इससे हम लेते हैं शीट का स्ट्रेट कट। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो हमने सेट कर दिया मशीन को, अब इसमें हम लेंगे रीकट क्योंकि हम सेम फाइल को कट करने वाले हैं दोबारा। अभी दोबारा रजिस्ट्री लेना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें फोर्स थोड़ी ज़्यादा अप्लाई कर रहे थे तो हमने वो कम कर दी है, और अभी इसका कट प्लॉटर अपना काम शुरू कर देगा। स्पीड पर सिर्फ दिमाग से फोकस के लिए चला रहा हूँ कि आप देख सकें एग्जैक्टली कटिंग में हो क्या रहा है।
एप्लीकेशन क्या हैं, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या हैं सर। तो इसकी एप्लीकेशन अनलिमिटेड हैं, इससे आप कस्टम स्टिकर बना सकते हैं लैपटॉप वगैरह के लिए, फोन्स वगैरह के लिए और कार वगैरह के लिए, काफ़ी चीज़ें हैं इसके लिए जो हम इससे बना सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। अब आते हैं इसके टूल के ऊपर, जो इसका टूल है, क्या ये फ्री है? तो यस, ये फ्री है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको एक लिंक में डाल के आपको दे सकता हूँ, बट ये टूल सिर्फ़ और सिर्फ X8 कोरल ड्रॉ X8 और उससे नीचे पे ही काम करता है, उससे ऊपर ये नहीं चलता है। तो अगर आप कोरल ड्रॉ यूज़ करते हैं तो ये पुराने कोरल ड्रॉ पे ही काम करता है फॉर नाउ, अभी इसका कोई अपडेट नहीं आया टूल के बारे में। तो फाइल कुछ इस तरह रहेगी आपकी हमेशा। ये बटन जो आप देख पा रहे होंगे, ये वाला, ये रजिस्ट्री मार्क्स के लिए होता है, ऐड मार्क टूल मार्क्स लगाने के लिए होता है। ये मैं टूल आपको दे सकता हूँ अगर आप स्काई का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो। एक बहुत शानदार मशीन है और इसकी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि ब्रिक फिनाइल मटेरियल पे भी करके देखिए, बट अभी मेरे पास है नहीं ब्रिक फिनाइल, मेरे पे स्टील वाली विनाइल जो स्टील की थोड़ी स्टील टाइप दिखती है, मेटल टाइप, वो भी मेरे पास अभी सैंपल नहीं है, बिकॉज मैं इसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ। काफ़ी टाइम डेमॉन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए रखा कि मैंने मशीन लोगों को दिखाने के लिए, आज पे हम क्या क्या कट कर सकते हैं इस पर और क्या क्या एप्लीकेशन है इसकी। इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी हैं और काफ़ी एप्लीकेशन हम खुद ढूंढ सकते हैं कि हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इससे आप कार के डेकल्स तक बना सकते हैं, क्योंकि 24 इंच विड्थ है लेंथ, द वे जितनी बड़ी लेंथ आपको चाहिए उतनी बन सकती है लेंथ। तो हमने सबसे बड़ा इसमें बनाया था 23 इंचेस बाय 60 इंचेस का डेकल बनाया था कार के लिए, जो डोर पे रनिंग डोर्स में था और बम्प बोनेट टू फ्रंट फेंडर टू रियर क्वार्टर पैनल तक रन कर रहा था। तो ऐसे हम पे काफ़ी डिज़ाइंस होते हैं, तो ये आप डिज़ाइन बना भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं EPS.com से। तो आपको वहाँ पे अलग अलग EPS मिल जाएंगे, जैसे आपको यूज़ है वैसे आप बना सकते हैं, ईजी है बनाना। और आउटलाइन बनाने के लिए आप जस्ट ईजी है, कोई भी पिक्चर को ग्रुप करके ट्रेस कर लीजिए, आउटलाइन ट्रेस कर लीजिए, क्लिप आर्ट कर लीजिए, फिर उसकी बाउंड्री लीजिए। क्लिप आर्ट कर लेंगे तो एक क्लिप आर्ट भी वर्क कर जाता है, आउटलाइन का ये सोल्यूशन है। क्लिप आर्ट कर लीजिए और उसको थोड़ा छोटा कर दीजिए रेशियो में, अगर अंडर कटिंग करनी है, फुल कटिंग करनी है तो भी कोई इशू नहीं है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं आता। अब मैं ये वीडियो एंड करता हूँ, तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर फर्दर वीडियो एंड और आगे मैं इसकी एप्लीकेशन बताऊँगा कि आप इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब मैं एक वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ जिसमें हम इवन लेबलिंग में इसका यूज़ करने वाले हैं। यस, लेबलिंग में कुछ छोटे स्टिकर्स होते हैं वो बनाएंगे इसके, मैं दिखाऊंगा इसमें कितना छोटा आप स्टिकर्स बना सकते हैं। सारा गेम सॉफ्टवेयर का है और इसकी सेटिंग का है, वो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा इंटरेस्टेड फंक्शन है USB का, जो आप यूज़ कर सकते हैं आगे। अगर आप पे लैपटॉप नहीं, घर पे आपने फाइल्स को, इसमें एक ऑप्शन होता है सेव, आई विल शो यू। ये हमने करा, ये पूछेगा हमसे, पॉपअप बॉक्स आएगा, लगता आ नहीं रहा है, सॉफ्टवेयर बंद हो गया। तो एक पॉपअप बॉक्स आता है जिसमें हम सेंड टू कट कर सकते हैं या सेव टू फाइल कर सकते हैं उस कटिंग को। तो हम क्या करते हैं, सेव टू फाइल कर देते हैं और उसे पेन ड्राइव में डाल देते हैं। यहाँ पेन ड्राइव लगा देंगे, यहाँ ऑप्शन आ जाएगा पेन ड्राइव में कि हम क्या क्या फाइल्स हैं इसमें, और हम उसको सिलेक्ट करके प्री कट हमारी फाइल्स रेडी हो जाएंगी, जिससे कि आपको बार बार सॉफ्टवेयर नहीं खोलना पड़ेगा, बार बार कमांड देना नहीं पड़ेगा। एक बार में अगर आप कुछ ही डिज़ाइंस पे काम कर रहे हैं तो बहुत जल्दी हो जाएगा आपका काम, टाइम भी बचेगा आपका, प्लस सीक्रेसी भी आपकी बनी रहेगी। तो इसी तरह मैं वीडियो एंड करता हूँ, तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक द वीडियोस एंड हिट द बेल आइकन फॉर टू गेट नोटिफिकेशन अबाउट द फर्दर वीडियोज़ आई विल मेक ऑन दिस टॉपिक। And I am also making some videos about your golden printing, golden printing, so foiling, which we say golden foil.
उसके बहुत इजी वे मैंने बनाया है, जिससे कि आप घर बैठे बैठे गोल्डन फॉइल कर सकते हैं अपनी स्टिकर्स पे, काफ़ी अलग अलग चीज़ों पर। तो उसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ, उसमें काफ़ी टाइम लगे, बट एक बहुत इजी मेथड आपको मैं दूंगा उसके लिए।